नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम से। आज गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम है नासिक में और हम लोग जो कॉलेज रिव्यू करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर बसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज नासिक। और ये अप्रोच रोड है, पीछे हाईवे था जो कि आपको नासिक और आगरा का हाईवे है, उसके हाईवे से कटते ही कॉलेज है, हाईवे के साथ ही है। तो ये अप्रोच रोड मैं दिखा रहा हूँ और कॉलेज आपको सिटी से अराउंड 6 to 7 kilometers की डिस्टेंस पे है। और जो है अब हम कॉलेज के अंदर जाएंगे और कॉलेज पूरी विजिट करेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर आपको डिटेल में बताएंगे कि कॉलेज कैसा है और क्या फैसिलिटीज़ है कॉलेज के अंदर। सो आप कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। कॉलेज की बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है, लगभग 33 acres में हॉस्टल से कैंपस फैला। इस साइड आपको हॉस्टल है की बिल्डिंग है। बड़ा कैंपस और ग्रीनरी है चारों तरफ कैंपस के। कैंपस के अंदर आपको जिम देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ये नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी से। आज मैं और मेरी टीम है डॉक्टर बसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज नासिक। कॉलेज की थोड़ी लोकेलिटी बता देता हूँ। कॉलेज आपको हाईवे पे है जो नासिक से 7 kilometers के अराउंड के डिस्टेंस पे है। ये नासिक और आगरा हाईवे पे है। अगर कॉलेज की बात करें तो 120 का इंटेक है कॉलेज का और एकेडमिक वाइज बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। अगर आप मैं बोलूं तो ये महाराष्ट्र में टॉप कॉलेज में से आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पीजी की भी अच्छी खासी सीटें हैं, सारी मेजर ब्रांचें हैं। और अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स जो है आपको 940 बेडेड हॉस्पिटल है और जो है बेहतरीन पेशेंट फ्लो हर जो है डिपार्टमेंट में पेशेंट फ्लो। मैंने जितने भी कॉलेज महाराष्ट्र का विज़िट किया, वन ऑफ द बेस्ट जहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत ही ज़्यादा था। और जो है बच्चों से बात करी तो बच्चों ने बोला यहाँ बहुत सीखने को है, इतनी पेशेंट फ्लो है कि हम लोग वैरायटी ऑफ पेशेंट फ्लो बहुत हम देखते हैं। सो बेहतरीन कॉलेज। अगर कॉलेज कैंपस की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये आपको मेडिकल कॉलेज है, उसके पीछे आपको हॉस्पिटल है। आपको कैंपस के अंदर ही आपको जो है हॉस्टल, पीजी हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड, एवरीथिंग अवेलेबल है। जिम, स्पोर्ट्स में लगभग सारी फैसिलिटी है। लगभग 55 एकर्स का कैंपस है तो आपको यहाँ सारी फैसिलिटी भी मिलेगी। कनेक्टिविटी की भी इशू नहीं है क्योंकि नासिक के साथ है, आपको नासिक एक अच्छी सिटी में से आती है। तो ओवरऑल कॉलेज बहुत बेहतरीन। आप यहाँ अगर आपका स्कोर आता है तो यहाँ आप एडमिशन के लिए प्रायोरिटी रख सकते हैं, नंबर वन प्रायोरिटी रख सकते हैं। ये डॉक्टर बसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज का ये आपका ग्राउंड्स भी है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो जो है क्वार्टर्स हैं जो आपके यहाँ के स्टाफ और फैकल्टी वगैरह के लिए हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है हॉस्टल भी मिलेगा। इसी रो में है हॉस्टल भी बॉयज़ एंड गर्ल्स का। तो बेहतरीन कॉलेज, हमें बहुत अच्छा लगा कॉलेज विज़िट करके। अगर डॉक्टर बसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसके सामने आपको ये डी मार्ट है, सामने भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ये टी स्टॉल है, आपको सामने भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके लिए यूज़फुल हैं, या आप वहाँ पे जो है शॉपिंग कर सकते हो, ज़रूरत की सामान ले सकते हो।
अब हम लोग कैंपस से बाहर निकल रहे हैं डॉक्टर बसंत राव पवार मेडिकल कॉलेज से, और ये मैं आप जो एग्ज़िट है आपका कॉलेज, हमें बहुत ही अच्छा लगा। कॉलेज ने हमें इम्प्रेस किया हर डिपार्टमेंट में। सो अभी तक जितने भी कॉलेज हमने महाराष्ट्र में विजिट किए उसमें से वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, जहाँ की हर चीज़ अच्छी थी, और ख़ास करके एकेडमिक और पेशेंट लोड तो बहुत ही बेहतरीन था, और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, हॉस्टल, जिम, जितनी भी स्टूडेंट से रिलेटेड फैसिलिटी है वो सारी अवेलेबल थी। सो ये है आपका हाईवे जो कि नासिक और आगरा के तरफ जाता है। इसी हाईवे पे ये कॉलेज है, जस्ट नासिक से अराउंड 7 किलोमीटर अगर आप लेफ्ट लेते हो तो आपको ये कॉलेज मिलेगा, डॉक्टर बसंत राव पवार मेडिकल कॉलेज। सो अब हम नासिक में ही जा रहे हैं SMBT मेडिकल कॉलेज, और आप वहाँ पे हम कॉलेज की रिव्यू करेंगे, और जो है आपको हम उस कॉलेज की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड।